हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोन प्लेट। क्या है जोन प्लेट? तो भाई ये क्या होती है? पहली बात, एक टाइप की प्लेट होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, इसमें स्पेशल क्या है, वो सारा सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जोन प्लेट है वो पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है, ये एक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? फ्रेनल्स हाफ पीरियड एलिमेंट, हाफ पीरियड एलिमेंट का, है ना। कैसे? वो ऐसे है कि देखो क्या ली जाती, देखो जोन प्लेट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। एक ग्लास की प्लेट ली जाती है, ठीक है, है ना। उसके बाद उसका सेंटर को क्या मान लिया जाता है? सेंटर मान लेते हैं। उसके बाद सर्किल ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ किए जाते हैं? सर्किल ड्रॉ किए जाते हैं। और किस तरह से? कि उनकी जो रेडियस है, क्या बोल रहा हूं, उनकी जो रेडियस है आर एन स्क्वायर है वो कितना हो, वो आर एन हो, वो प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर रूट ऑफ एन के, ठीक है। एन क्या है यहां पर? नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो उनका जो ये जो सर्किल हमने ड्रॉ किए हैं उनका रेडियस कुछ इस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। हाँ, पहली बात है ना, उनका रेडियस ये है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि देखो जोन प्लेट दो तरह की होती है, ठीक है, पहली और दूसरी। पहली होती है आपकी पॉजिटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट, और दूसरी होती है निगेटिव, ठीक है। अब अगर आप ये मान लीजिए आप पॉजिटिव जोन प्लेट की बात करें, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ये जो ऑड जोन्स हैं, ठीक है, देखो ये क्या बन गए, हमने जो सर्किल बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद ये पहला जो है ना, पहला रेडियस का जो सर्किल है इसको हमने फर्स्ट जोन बोला है, ठीक है। जिस तरह से हम फ्रेनल हाफ पीरियड एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, उसमें भी कुछ इसी तरीके के थे, है ना, उसमें भी कुछ इसी तरीके के थे। उसमें भी हम जो रेडियस मेजर कर रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था आर एन स्क्वायर एन बी लैम्डा, यही तो था, और वही हम यहां यूज करेंगे। बस वहां इस तरह से था कि हम पहले डिस्टेंस बी पे देख रहे थे, ठीक है, उसके बाद हमने ये सर्किल ड्रॉ किए थे। यहां हमने पहले सर्किल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपका पॉजिटिव जोन प्लेट है, ध्यान देना, अगर पॉजिटिव जोन प्लेट है तो जो ऑड जोन्स है, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव जोन प्लेट में क्या है, जो ऑड जोन्स है उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लैक पेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, मतलब जो ऑड जोन्स है, जैसे फर्स्ट जोन है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, वो तो आपका ट्रांसपेरेंट रह जाता है, सॉरी, जो ऑड जोन्स है वो रहेंगे ट्रांसपेरेंट, याद रखना, ऑड जोन्स क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंट, किसमें, पॉजिटिव जोन में। तो ये पहला जोन है, पहला मतलब ऑड, ठीक है, तो ये रह जाएगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ये वाला जो सेकेंड है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा ब्लैक पेंट, ठीक है, ये हो गया आपका ब्लैक पेंट। उसके बाद हमारा ये थर्ड जोन आया, ठीक है, ये रह जाएगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद नेक्स्ट जोन है उसको भी हमने ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इवन जो ऑड जोन है वो तो रह गए ट्रांसपेरेंट, और जो आपके ये इवन जोन है उसको हमने कर दिया ब्लैक पेंट, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका नेगेटिव जोन है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाता है, जो आपका ये ऑड है उसको तो हम कर देंगे ब्लैक पेंट, और जो इवन है उसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें इवन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, इसको ब्लैक पेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुत सारे, एन बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है, और उतने सारे सर्किल बनाए जाते हैं, और जो आपके अल्टरनेट जो है ना, अल्टरनेट जो कोसेंट्रिक सर्किल्स है उनको ब्लैक पेंट किया जाता है, और वो
किस तरह किस ऑर्डर में कर रखे हैं उसके आधार पे ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट बन जाता है। ठीक है, ये तो ही बात कि जोन प्लेट होता क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है भाई, वर्किंग आपका बिल्कुल हाफ पीरियड एलिमेंट की तरह है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो मैं बता देता हूं क्या करेंगे। ये जो जोन प्लेट है वो आपका कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसके रास्ते में हम इस जोन प्लेट को रखेंगे। ठीक है, उसके रास्ते में हम इस जोन प्लेट को रखेंगे। वो कैसे काम करेगा, जब हम इसको रख दिया ना, तब देखो मान लो ये उसका सेंटर था। ठीक है, सेंटर था, उसको हमने ओ बोल दिया। एक पॉइंट पी पर, यहां आपकी स्क्रीन लगा है आगे, ठीक है, एक पॉइंट पी पर क्या होगा उसका मतलब, ये जो पैरेलल रे आ रही है ना, उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा एक पॉइंट पी पर, जैसे ही आप इसको रखेंगे। देखो ये चीज आपको समझ आएगी धीरे धीरे। ये क्या है, सेंटर से हमने पी तक मिला दिया, उसके बाद ये जो फर्स्ट है वो क्या होगा, वो मान लीजिए आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का हो गया, और सेकेंड आपका है ब्लॉक कर दिया हमने। ठीक है, और थर्ड है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट सेकेंड, हाँ थर्ड ट्रांसपेरेंट है, और फोर्थ क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से हम इन पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, M1, M2, M3, M4। ठीक है, उनकी रेडियस क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो बी है। ठीक है, वो डिस्टेंस बी है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्लेन पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, उसके रास्ते में हमने जोन प्लेट को रखा। उसके बाद क्या होता है, आप स्क्रीन पर देखते हो और आप स्क्रीन को इधर उधर डिस्प्लेस करते हो। ठीक है, डिस्प्लेस करने के बाद आप एक पॉइंट पी ऐसा पाते हो जहां पर उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम आता है। ध्यान देना, जहां पर उस लाइट का जो इंटेंसिटी है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो ये वो पॉइंट पी है और उससे डिस्टेंस वो बी है। ठीक है, तो भाई इस नेक्स्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट का डिस्टेंस हो जाएगा बी प्लस लेमडा बाय टू, बिल्कुल वही हाफ पीरियड एलिमेंट वाला। इसका कितना हो जाएगा, बी प्लस लेमडा, इसका हो जाएगा बी प्लस 3λ/2, इसका हो जाएगा बी प्लस 2λ, है ना, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। बस इतना ही काम करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते जाते हैं, जो आपका OM है, OM1 है, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका R1। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ bλ। सही ना, क्या होता है nβ होता है ना, तो 1 के लिए ये हो गया। OM2 बताओ क्या आएगा, R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2bλ। ठीक है, OM3 क्या आएगा, कुछ इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। वैसे ही आपका RN क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा nβ। ठीक है, अगर आप यहां से बी का वैल्यू निकालते हो, हमें वो बी नहीं पता है ना, हम तो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा RN² nth रिंग का रेडियस डिवाइडेड बाय nλ। ठीक है, वो आ जाता है आपका वो पॉइंट, मतलब वो डिस्टेंस जहां पर इंटेंसिटी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब हम क्या अज्यूम करते हैं, अब हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमने यूज किया पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट। ठीक है, वो यूज किया है, वो क्या करेगा, जो इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो कर देगा, इवन नंबर की जो लाइट आ रही है उसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, इवन नंबर की जो लाइट आ रही है उसको कट ऑफ कर देगा। तो इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो आ जाएगा आपका A0। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो सिर्फ इवन को तो ब्लॉक कर दिया इसने, तो ऑड आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, A1, ठीक है, प्लस में A3, प्लस में A4, प्लस में ऐसे ऐसे चलता जाएगा। आप मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं सिर्फ 20 तक ही। ठीक है, हम सिर्फ 20 हाफ पीरियड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद तो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो भाई जब आप इनको ऐड करते हो तो आप क्या पाते हो, जो एम्पलीट्यूड है वो आ जाता है, देखो कितना आ जाएगा, ये सारे का एम्पलीट्यूड उतना ही है, तो वो कितना आ जाएगा, 10 × A1, सबका एम्पलीट्यूड उतना ही है ना, A1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो भैया, अब बात क्या है, ये तो हमने सिर्फ आपका 20 हाफ पीरियड एलिमेंट ही कंसिडर किया है। ठीक है, जिनमें से 10 तो क्या ब्लॉक है, और जो इंटेंसिटी है वो आ गई आपके फर्स्ट, देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया, फर्स्ट के एम्पलीट्यूड का 10 टाइम्स।
ठीक है, इसका मतलब यहां जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है वो कितना आ जाएगा, ए नॉट का स्क्वायर मतलब अराउंड आपका आ जाएगा 20 टाइम्स, चलिए पहले ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये आएगा आपका 100 इंटू ए वन स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इंटेंसिटी। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अब वो स्नैरियो देख रहे हैं जहां पर हमने जोन प्लेट नहीं लगाया, ठीक है, हमने जोन प्लेट नहीं लगाया, हम सिर्फ पॉइंट पी पर ही देख रहे हैं, ठीक है, कितना इंटेंसिटी आ रहा है, वो किससे दिया जाता है, जो हमने लास्ट हमने लेक्चर्स में देखा था, वो एम्पलीट्यूड दिया जाता है ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस में चलता जाएगा, हम 20 के लिए देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या आएगा, ये हमने देखा था वो कितना लिखा था हमने ए वन बाय टू प्लस ए वन बाय टू, ठीक है, इसका हमने क्या लिखा था, इन दोनों के बीच का मतलब माइनस ए वन बाय टू माइनस ए थ्री बाय टू, इस तरह से बिल्कुल वही लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते जो लास्ट वाले वो तो कैंसिल हो जा रहे थे, तो जो बचा था वो बचा था हमारा ए वन बाय टू, ठीक है, यहां से जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा ए वन बाय टू, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से आपका इंटेंसिटी क्या आएगा, वो आएगा ए वन स्क्वायर बाय फोर, सही है ना, यहां से इंटेंसिटी इतना आएगा। अब देखो, जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो इस वाले केस में जब आपने जोन प्लेट लगाया है, ध्यान देना यहां से बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, जब आपने जोन प्लेट लगाया है तो उस टाइम जो इंटेंसिटी है वो कितना आ रहा है, देखो यहां से ए वन स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वो आ जाएगा आपका 400 टाइम्स, ठीक है, तो मतलब जब आपने जोन प्लेट यूज किया तो जो लाइट आ रहा था तो उसका इंटेंसिटी 400 गुना ज्यादा हो गया इस पॉइंट पर, ठीक है ना, 400 गुना ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मैं समझाता हूं, अगर आपने ये देखो, अगर आपने एक प्लेन पैरेलल लाइट ली है, ठीक है, और रास्ते में आपने कॉन्वेक्स मिरर लगाया है, वो क्या करता है, एक फोकस पॉइंट एफ, जो डिस्टेंस एफ के ऊपर है, ठीक है, वहां पर उन सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, वही काम तो यहां हो रहा है, देखो वही काम तो यहां हो रहा है, वो जो सारी जो लाइट रेज आ रही है उनको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, लेके आ रहा है उन सबको, ठीक है, एक पॉइंट पर लेके आ रहा है, मतलब उनको फोकस कर रहा है एक पॉइंट पर, तो ये जो आपका जोन प्लेट है, ठीक है, वो किस तरह का हो गया, वो एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर गया, समझ रहे हो ना, तो आपका जो जोन प्लेट है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, लेकिन फर्क क्या है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो किसका यूज कर रहा है, वो जो ये लाइट फोकस करता है वो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का यूज करके लाइट को फोकस करता है, लेकिन जो जोन प्लेट है वो यूज करती है फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना का यूज करके क्या करती है, इन लाइट को वो फोकस करती है, इतनी बात हुई। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जो जोन प्लेट है उसका जो फोकस है, फोकस मतलब जो डिस्टेंस बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, इस वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर ये जो प्लेन पैरेलल लाइट है, ठीक है, ये अगर हो आपकी व्हाइट लाइट, ठीक है, अगर व्हाइट लाइट हो तो क्या होगा, तो देखो उस वो व्हाइट लाइट तो अलग अलग लाइट से मिलके बनी है ना, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से, रेड से लेकर ब्लू तक, ठीक है, तो क्या होगा, उन सब के लिए वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपको अलग अलग पॉइंट पर क्या दिखेंगे, अलग अलग कलर्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे, क्योंकि देखो जैसे लैम्डा चेंज हो रहा है तो आपका क्या चेंज होगा, बी चेंज होगा, ठीक है ना, अगर आपका लैम्डा ज्यादा है मतलब रेड कलर के लिए, तो उसके लिए बी का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, और अगर लैम्डा आपका कम है, ठीक है, लैम्डा आपका कम है तो बी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक केस कंसीडर करते हैं, ठीक है, अब हम एक केस कंसीडर करते हैं, हम दो तीन केस कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसकी जो ये जो फोकस लेंथ है ना, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है, ये जो
हमने डिस्टेंस बी बताई है ना, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। वो कैसे है, हम केस एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं। हमने पहला जो केस देखा उसमें क्या देखा था, एट डिस्टेंस बी, डिस्टेंस बी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी वो है मैक्सिमम, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम दूसरा केस देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पॉइंट पी प्राइम कंसीडर किया है, ठीक है, पॉइंट हमने कंसीडर किया है पी प्राइम, जिसका डिस्टेंस क्या है बी प्राइम, और जो बी प्राइम क्या है बी का आधा, मतलब मान लीजिए ये आपका वो डिस्टेंस क्या था बी था, तो हम उसके आधे डिस्टेंस पे देख रहे हैं, ठीक है। अब आधे डिस्टेंस पे देखोगे तब क्या हो जाएगा, तब आर एन स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका देखो टू एन बी प्राइम लैम्डा, यही तो होगा, सही है ना। बी प्राइम का क्या है आपका, वेल बी की जगह आप क्या रख दोगे, टू बी प्राइम, सही है ना। जैसे ये रखोगे तो आप यहां से टू एन को क्या रख दोगे, एन प्राइम बी प्राइम लैम्डा, ठीक है। यहां से एन प्राइम क्या आ गया, वो आ गया आपका टू एन। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल हाफ पीरियड एलिमेंट में आपके दो हो गए, मतलब दो तरह के एम्पलीट्यूड आ गए, समझ रहे हो ना। एक सिंगल हाफ पीरियड एलिमेंट में आपके दो तरह के हाफ पीरियड एलिमेंट आ गए, ये कह सकते हो आप, जिसमें क्या होगा एक का जो एम्पलीट्यूड है वो दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देता है, क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज होंगे ना, सही है ना, वो एम्पलीट्यूड एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, या फिर कह सकते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो इस केस में। अगर आप तीसरा केस कंसिडर करते हो, ठीक है, आप पॉइंट पी डबल प्राइम कंसिडर करते हो, जिसमें जो बी डबल प्राइम है वो हो गया आपका बी बाई थ्री, ठीक है, कुछ यहां पर, ठीक है, कुछ यहां पर, है ना। तब देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आर एन स्क्वायर इक्वल टू थ्री एन बी डबल प्राइम लैम्डा, तो ये आ जाएगा एन डबल प्राइम बी डबल प्राइम लैम्डा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, एन डबल प्राइम इक्वल टू थ्री एन, मतलब एक हाफ पीरियड एलिमेंट वो कितने हाफ, सॉरी एक जोन, मैं हाफ पीरियड एलिमेंट बोल रहा हूं, वैसे होता है एक जोन, एक जोन यहां पर कितने हाफ पीरियड एलिमेंट है, दो, तो यहां पर इस एक जोन के अंदर कितने हाफ पीरियड एलिमेंट हो गए, तीन हाफ पीरियड एलिमेंट हो गए, लेकिन जो दो हैं वो तो एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, बचा कितना, एक हाफ पीरियड एलिमेंट बचा, तो उसकी वजह से क्या आएगा, उस पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी आ जाएगा, है ना। तो इस केस में जो इंटेंसिटी है वो फिर से क्या आएगा, एक मैक्सिमा आ जाएगा आपको, ठीक है, यहां पर मिनिमा मिला, यहां पर क्या मिला, मैक्सिमा मिला। इसका मतलब क्या है, अब मैं रिजल्ट लिखता हूं, दस ए जोन प्लेट बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस बट हैविंग नंबर ऑफ फोकल लेंथ कितना, बी बाई थ्री बी बाई फाइव बी बाई सेवन, समझ रहे हो ना। यहां पर बी पर आपका कुछ इंटेंसिटी आया, बी बाई टू पे कितना हो गया, जीरो हो गया, बी बाई थ्री पे फिर से आ गया, तो इसका मतलब बी बाई फाइव जो डिवाइडेड बाई ऑड है उस पर तो इंटेंसिटी आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो जोन प्लेट है उसके काफी सारे फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, उसके काफी सारे फोकस पॉइंट होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में आपके एक ही होता है ना, इस साइड में एक ही फोकस पॉइंट होता है, लेकिन जो आपका जोन प्लेट है उसमें काफी सारे फोकस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये फर्क है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जोन प्लेट पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।